पूरा अच्छा इतनी खराब हो चुकी है हमारे देश की कि गोली चल जा रही है। अच्छा भाई मतलब क्या अपराधी मरत है अंदर हमने के कोनो ऊ रख चाहिए, अगर अपराधी मर जाता तो भाई काय बदे ओके जेल में डाल के चाहिए, ओके तो मर जाना चाहिए ना भाई। ये शासन व्यवस्था के हाथ में था। अरे अपराधी मर जाए बहुत धन्ना अपराधी सुने धनंजय सिंह नहीं है, राजा भैया नहीं है, अपराधी धनंजय सिंह नहीं है, दुर्जय सिंह है, कौन कौन अपराधी थाने का। एक मिनट रोड पे चलते चलते आदमी को मार दिया जाए, ये कौन सी भैया वो है बताइए आप हमें। हमें तब तो कोर्ट को हटा देना चाहिए, संविधान कोर्ट को हटा देना चाहिए, लेकिन लोगों को मार देना ये सही है बताइए आप मुझे। बीच रोड पे संविधान तो बनाया गया भैया कि किसको मारना है किसको नहीं मारना है, ठीक है, ये इनके लिए कोर्ट कुछ नहीं माने रखता है, कोर्ट इनके लिए कुछ माने नहीं रखता, अगर माने रखता बताओ। अभी एक अपराधी को मार दिया जा रहा है तो इतना लोगों को तकलीफ हो रहा है, तकलीफ नहीं है, संविधान को लूट के संविधान कहाँ गए, कॉन्स्टिट्यूशन गरीबों को लूट के कॉपी को फाड़ दिया जाए, संविधान की कॉपी को फाड़ दिया जाए। लोग अंग्रेजी शब्द में इंग्लिश शब्द में इंडिया कह लेते थे और हिंदी शब्द में भारत कह लेते थे, तो हम हिंदी प्रधान देश हमारा है, हम हिंदी भाषा का सम्मान करते हैं। आपके लड़के क्या आपके लड़के किस बोर्ड से पढ़ते हैं? हमारा लड़का जो है हिंदी बोर्ड से पढ़ता है, हिंदी बोर्ड से पढ़ता है, इंग्लिश मीडियम को तो अब तो बंद कर देना चाहिए, इंग्लिश की जानकारी रखता है, इंग्लिश की जानकारी रखता है, तो क्यों पढ़े हम दूसरे की भाषा में? उसी तरह इंडिया भी हम कहेंगे, उस हम अपने विपक्षियों लोगों का कहना है कि जो कि इंडिया हमारा गठबंधन नाम पड़ गया इसलिए डर गई है एनडीए सरकार। आजमगढ़ में श्रेया जो मरी है वो सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रही थी, जो है कि कह रहे हैं कि सीबीएसई बोर्ड से कोई बच्चा पढ़ ही नहीं रहा है, यही इनका कहना है ना कि सब बच्चे सरकारी में पढ़ रहे हैं। हाँ। जितना सीबीएसई बोर्ड है उससे कम है सरकारी स्कूल, सीबीएसई बोर्ड जितनी है सब में ताला लगाया जाए और जितने सरकारी स्कूल हैं सब सबको चलाया जाए। इनका कहना है कि अगर इंडिया का नाम भारत का नाम अगर इंडिया बदल के भारत कर दिया जाता है तो सीबीएसई बोर्ड जितना स्कूल है उसको बंद किया जाए। हमारी बात सुनिए, देखिए अगर बच्चों को शिक्षा देना गलत है, नहीं है बिल्कुल नहीं, हिंदी भाषा का ज्ञान होना चाहिए और जो पूरे वर्ल्ड में चल रहा है भाषा इंग्लिश उसका भी ज्ञान होना चाहिए, तो ज्ञान दोनों होना चाहिए लेकिन मातृभाषा का प्रयोग होना चाहिए। हमारी भारत की मातृभाषा हिंदी है, हम हिंदी में सनातन धर्म का जो व्यवस्था है उसका पालन करते हुए भारत देश बोलेंगे और भारत माता है, भारत हम उस जन्मभूमि में पैदा हुए हैं इसलिए हमारा देश भारत है। ये तो धर्म स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन धर्म से लेकर जो विवाद छिड़ा हाँ, हाँ, बताइए तो स्वामी प्रसाद मौर्य वो उनका व्यक्तिगत मामला, उनका निजी मामला, उनका निजी स्वास्थ्य ठीक नहीं है। नहीं नहीं निजी मामला है तो इसमें भी तो उठा दिए बात, जो गलत कर रहा है स्वास्थ्य सही है, आपने निजी मामला है तो उसको दबा दिया जाए, दबा दिए। देखिए जो 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 कुछ जो जो बीजेपी के मंत्री हैं कुछ भी कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, विपक्ष वाले कर रहे हैं उसके ऊपर बुलडोजर चलवा जा रहा है, कोई भी काम तुरंत हो जा रहा है। टेनी जो मंत्री थे जो है उनका लड़का जो है किसानों को राउंड दिया उसके ऊपर बुलडोजर चला रहे हैं, जेल में है, जेल में है, बुलडोजर क्यों नहीं चला? बुलडोजर जो अवैध निर्माण होगा, जो जहां के प्राधिकरण बोर्ड से अपना ऑथेंटिक नक्शा नहीं बनवाया उसमें बुलडोजर चले। कह रहे हैं कि जो भूमि एक मिनट जो भूमि जो है कि अधिग्रहण किया है उसके पे बुलडोजर चलेगा, जो क्राइम करने वाले हैं उस पे नहीं चलेगा? तो क्राइम करने वाले तो बहुत लोग पर चल रहा है, कोई भूमि थोड़ी ना चल रहा है। अभी अपराध करना अलग विषय है, अपराधी व्यक्ति अगर गलत निर्माण कराया है तो उसके निर्माण के साथ साथ कानून प्रक्रिया चलेगी। अच्छा ये अपराध करना सही है कि जो है कि जमीन को हड़पना सही? अरे अपराध दोनों है, दोनों अपराध है ना, दोनों अपराध है। तो जब दोनों अपराध है तो बुलडोजर चलना चाहिए ना, इनका कहना है। तो जो कहां कौन कौन अपराधी बचा है बताइए नाम? वही टेनी की बात, टेनी जेल में है, अगर वो सुनिए बुलडोजर जाने से नहीं होता है, बुलडोजर चलने से होता है, दो चीजें होती हैं। अगर 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 वो एक मिनट जेल गए ना, एक मिनट जेल गए ना, अभी कौन मरा इनको इनकाउंटर हुआ, इनका क्या नाम है? अरे नहीं 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 ये इनका क्या नाम है जो अतिंग अहमद, इनको भी तो जेल में रहना चाहिए था, क्यों गोली लग गई? सुरक्षा सुरक्षा इतनी खराब हो चुकी है हमारे देश की कि गोली चल जा रही है। अच्छा भाई मतलब क्या अपराधी मरत है अंदर हमने के कोनो ऊ रख चाहिए, अगर अपराधी मर जाता तो भाई काय बदे ओके जेल में डाल के चाहिए, ओके तो मर जाना चाहिए ना भाई। ये शासन व्यवस्था के हाथ में था। अरे अपराधी मर जाए बहुत धन्ना अपराधी सुने धनंजय सिंह नहीं है, राजा भैया नहीं है, अपराधी धनंजय सिंह नहीं है, दुर्जय सिंह है, कौन कौन अपराधी नहीं है?
मिनट, कहने का इनका मतलब सीधा सीधा है, कहने का मतलब ये सीधा सीधा है कि जितने भी अपराधी हैं उनको खड़ा करके गोली मार दिया जाए, संविधान की कोई कोई अस्तित्व नहीं है। भैया सुना, वो पॉइंट दिया हो गया, सीधा सीधा कैमरे में आ रहा है भैया, सीधा सीधा पांच लोग को गोली लेके भून रहा है, बम लेके छोड़ रहा है, तो उसमें भैया सामने सामने मिला तो क्यों अपराधी? आप कौन होते हैं निर्णय लेने वाले? हम कौन होते हैं भैया? हम समाज के वो है, हम क्यों ना निर्णय लें? कानून व्यवस्था नहीं है, कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था ठीक है भैया। अब ये बताओ, अभी रोड पे चलते चलते आदमी को मार दिया जाए, कौन सी भैया वो है बताइए आप हमें? हम कहने का ये बात है, तब तो कोर्ट को हटा देना चाहिए, संविधान कोर्ट को हटा देना चाहिए, लेकिन लोगों को मार देना ये सही है? बताइए आप मुझे, बीच रोड पे संविधान तो बनाया गया देखा भैया कि किसको मारना है किसको नहीं मारना है, ठीक है? ये इनके लिए कोर्ट कुछ नहीं माने रखता है, कोर्ट इनके लिए कुछ माने नहीं रखता, अगर माने रखता बताओ। अभी एक अपराधी को मार दिया जा रहा है तो इतना लोगों को तकलीफ हो रहा है? हाँ, तकलीफ नहीं है, संविधान को लूट के संविधान कहाँ गए? कॉन्स्टिट्यूशन के गरीबों को लूट के कॉपी को फाड़ दिया जाए, संविधान की कॉपी को फाड़ दिया जाए, उसकी कोई वैल्यूएशन नहीं है। जेकर हाल आऊ तो मत अपन दे, तो जिन जून के कुछ भी हुई तो वो तुहार जो अनुमत तू दे, हमारे जो अनुमत हम तो देबला।